गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 से तृतीय पाठ है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें संख्या का ज्ञान हम लोग करवाए थे आपको। आज मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको 1 से 20 तक संस्कृत में संख्याओं को लिखना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर के 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को ध्यान में रख करके लिखा गया है। बाकी उसके बाद 5 से लेकर के 20 तक आपको संस्कृत में बताया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी बढ़िया अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और कॉपी में और याद भी कीजिएगा, ठीक है। अब अभ्यास कार्य में हम लोग देखते हैं कि अभ्यास कार्य में आप लोगों को चित्र देखकर ये भरनी है कि कितनी संख्या है। तो चतवारी कंदुकानी, 4 गेंदे हैं, 2 पुष्पे, 2 फूल हैं, 2 बालकों, 1 बालिका, 5 फलानी, कदली फलानी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पंचम है संस्कृत में, इनका हिंदी का संस्कृत लिखना था तो वो मैंने आप लोगों को लिख दिया है। इसे भी आप लोग अष्ट है यहाँ पर, सप्त पंच त्रयोदश उन्विसंति अष्ट पंचदश अष्टदश, ठीक है। और ये आपको अरेंज करनी है कि कौन सबसे पहले होगा और कौन उसके बाद होने वाला है। तो ये आप लोग अपने खुद ही कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद मुख्य रूप से आप लोगों को अभ्यास कार्य में नंबर 5 है, वर्णों को जोड़ करके आप लोगों को शब्द बनाना है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि वर्ण हलंत है यानी कि आधा है, और उसमें जो लगी हुई है मात्रा उस मात्रा को लेकर के आपको लिखनी है। जैसे आधा ब प्लस आ है बना बा, आधा ल प्लस अ बना ल, आधा क प्लस अह बना कह। तो इस सब तरह से इन वर्णों को जोड़ने पर बनता है बालका है। इसी तरह से आधा प जोड़ अ प, आधा त जोड़ अ त, आधा न, और इसमें अ नहीं है इसलिए आधा न ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। तो और आधा ये ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो इधर से मैंने किया है। तो इन तीनों को चारों को जोड़ करके बना है पतंती। आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो सिर्फ इस चीज़ को लिखिएगा, इस तरह से ये लिखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को लिखिएगा आप लोग। नीचे में मैंने जो प्लस किया है उससे आप लोगों नहीं लिखिएगा, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है इस तरह से। आधा न री नृ, आधा त य, आधा त और य, और य में और लगा है तो यहाँ पर य पूरा य पूरा होगा, आधा तो ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से इस मैंने यहाँ पे आधा तो और यह लिखा है और म हलंत है, तो तीनों को जोड़ करके बना है नृत्यम। व आधा व अ व आधा र यानी कि और आधा ये स है और प्लस अ आ है, तो स में आ लगेगा और र जो है वो रेफ की मात्रा बन जाएगी, तो यहाँ पर बनता है वर्षा। इसलिए आप लोग इसको लिखिएगा, ये सब नीचे वाली इस तरह से कॉपी में अभ्यास कॉपी में नहीं लिखेगा। उसके बाद अभ्यास कार्य में आप लोग को 6 में है, मम द कर्णो अस्त गजह से चतवारा पादा संभवन्ति, मम एकम नाशिका अस्ति द्विचक्रिकायाम यानम चक्र भवता है दशरथ से चतवारा पुत्रा आसन। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इस तरह से आप लोग भी अभ्यास कार्य में कॉपी में बनाइएगा अच्छी तरह से। यहाँ मिलान करनी है तो मैंने इसको भी कर दिया है, आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।